गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स अराउंड यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. सम लिव ऑन लैंड लाइक काउ, बफलो, लायन, टाइगर, डॉग एट्सेट्रा. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, ठीक, जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स दिए. सम लिव इन वाटर लाइक फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, क्रोकोडाइल, व्हेल. यू ऑल नो द नेम्स, है ना, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं. एंड सम एनिमल्स फ्लाई इन द स्काई लाइक बर्ड्स. कुछ एनिमल्स जो स्काई में फ्लाई करते हैं उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. ओके, दोज आर नोन एज फ्लाइंग एनिमल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ लिविंग. प्लेस ऑफ लिविंग, जिस जगह पर वो रहते हैं उसके बेसिस पर, यानी उसके आधार पर हम उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट क्लास में मैम ने आपको बताया था ना कि डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो घरों में रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं, जिन्हें हम पाल सकते हैं, पालतू, ठीक. एंड वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में, और वो थोड़े डेंजरस भी होते हैं ना. और कुछ एनिमल्स जो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड. यू ऑल नो अबाउट दोज एनिमल्स, राइट. लेट्स कम ऑन टू द डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन आवर हाउसेस और फार्म्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें हम अपने फार्म्स में या अपने हाउस में रख सकते हैं. दे कैन बी टेम्ड एंड आर यूजफुल टू अस. दे कैन बी टेम्ड मतलब उन्हें हम प्यार से चीज़ें सिखा सकते हैं, अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं. जैसे डॉग से हम हैंड शेक करना सिखाते हैं, ठीक है. एंड पैरट्स बोलते हैं हमारे साथ साथ, वो भी इनका एक नेचर होता है. अगर हम उनसे प्यार से डील करते हैं तो वो भी हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमारी बातें मानते हैं. दैट इज़ नोन एज टेमिंग एंड दे आर यूजफुल टू अस. और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. जैसे कौन से एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? काउ मिल्क देती है, बफलो एंड गोट भी मिल्क देते हैं, है ना. एंड डंकी का यूज़ करते हैं लोग लोड को कैरी करने के लिए. कैमल का भी यूज़ इसीलिए करते हैं. डॉग्स बहुत प्यारे से होते हैं, वो हमारे घर को और हमें सेफ्टी देते हैं, है ना. हमारे जो भी आसपास जो डेंजर होता है तो वो बाग करने लग जाते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. काउ, बफलो एंड हैन, ये तीन एग्जांपल्स हैं जो कि फार्म एनिमल्स कहलाते हैं. इन्हें हम फार्म्स में रखते हैं जहाँ पर जो ये चीज़ें हमें देते हैं, जैसे कि मिल्क या एग्स, तो हम आगे उससे दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं. डॉग, कैट एंड रैबिट आर पेट एनिमल्स, पालतू जानवर. इन्हें हम पेट एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. ओके, लेट्स कम ऑन टू द वाइल्ड एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. दे आर डेंजरस एंड कैन नॉट बी टेम्ड बाय अस. वो डेंजरस होते हैं और हम उन्हें अपने हिसाब से काम नहीं करा सकते, उन्हें कुछ ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकते. ओके, एग्जाम्पल्स आर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड. थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. ये जो एनिमल्स होते हैं, ये होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, डेंजरस से और जंगलों में रहने वाले. ओके, अभी आपने ये वीडियो सुना, इसको समझना है, इसकी जो स्पेलिंग्स हैं एनिमल्स की, एग्जाम्पल्स की, वाइल्ड एनिमल, डेंजरस, डोमेस्टिक, तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी. एनिमल्स दैट हेल्प अस, हॉर्स, कैमल, डंकी एंड एलिफेंट हेल्प अस बाय कैरिंग द लोड्स. ये एनिमल्स वो हैं जो भार उठाकर हमारी हेल्प करते हैं. ऑक्सन हेल्प फार्मर्स टू प्लो द फील्ड. ऑक्सन फार्मर्स को, किसानों को खेत जोतने में काम आता है. काउ, बफलो एंड गोट गिव अस मिल्क. ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं. शीप एंड याक गिव अस वूल. हमको सबको पता है शीप एंड याक हमें वूल देते हैं. तो इस तरह से ये एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड यू विल ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स.